There is a number which is very peculiar. The number is 3 times the sum of its digits. Can you find the number? अब हमें बस बताया गया नंबर है, पहला क्वेश्चन. ओके, हमें ये नहीं पता वो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है या ज्यादा है. द नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. कैन यू फाइंड द नंबर? तो लेट सपोज वो 1 डिजिट नंबर है. अगर 1 डिजिट नंबर है तो कोई भी डिजिट 1 का आप लो, 0 लो, 1 लो, 9 लो, कोई 3 टाइम्स करोगे तो उसके बराबर नहीं होगा. तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ 1 डिजिट नंबर. अगर मैं 3 डिजिट नंबर भी लेता हूं तो 3 डिजिट नंबर हमारा मिनिमम कितना हो जाएगा? 100. ओके, और 100 को 3 टाइम तक पहुंचने के लिए इफ आई डू डिवाइड इट बाई तो वो कम से कम 33 होना चाहिए उसका सम. बट अगर आप 999 भी लोगे तो वो 27 होता है. तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ 3 डिजिट नंबर. ओके, सो नाउ व्हाट इट रिमेन्स इज 2 डिजिट नंबर. सो 3 से ज्यादा का नहीं है, 1 का नहीं है. अब 2 डिजिट नंबर में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स से द नंबर इज, फर्स्ट डिजिट इज x एंड सेकंड इज y. सो लेट्स से y इज इन द यूनिट प्लेस एंड x इज ऑन द 10th प्लेस. तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10x plus y. अब इक्वेशन हमारी क्या बन रही है? नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट. दिस शुड बी 3 टाइम्स ऑफ x plus y. ओके, तो ये कितना हो गया? इसको अगर हम सॉल्व करें, 3x plus 3y, सो दैट बिकम 7x इज इक्वल टू 2y. ओके, सो x हमारा हो गया 2y by 7. या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 7 by 2x. क्योंकि इससे एक चीज तो नजर आ रही है कि y जो है वो x से बड़ा है, क्योंकि इट इज 7/29 टाइम्स. तो अब हम इसमें x की वैल्यू डालना शुरू करते हैं और वो जो है नंबर, वो डिजिट्स हैं, तो वो क्या है? वो आपके होल नंबर्स होने चाहिए. तो अगर हम x को 0 डालें तो y 0 हो जाता है, डेफिनेटली 0 0, इट्स अगेन विल बिकम अ सिंगल डिजिट नंबर. अगर मैं x को 1 डालूं तो ये जो है मेरा 3.5 होता है, विच इज डजंट वर्क आउट बिकॉज दिस इज नॉट अ होल नंबर. मैं x को नाउ 2 डालता हूं तो ये बन जाता है 7. सो हियर वी गेट अ प्रॉपर नंबर. थोड़े और ट्राई करके देखें, तो 3 डालोगे तो नहीं होगा, 4 डालोगे तो ये 14 पे चला जाएगा, जो कि अब 2 डिजिट हो गया है. तो दैट ऑल्सो डजंट होल्ड्स. और इसके आगे ये सेम पैटर्न रिपीट करेगा, तो हमारा जो आंसर है वो ये है. अब इसको क्विकली चेक करें तो हमारा नंबर क्या हो गया, हमारी वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2, तो नंबर हो गया हमारा 27. और इसका जो सम कितना हो गया? 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एंड इन टू 3 किया तो ये हो गया 27. सो दैट इज हाउ यू रीच टू दिस नंबर. सो होपफुली दैट गिव्स यू एन आइडिया कि ये ऐसे स्ट्रेट इक्वेशन वाले नहीं होते हैं, बट आप थोड़ा सा इंटरेस्ट, आप थोड़ा सा इमेजिनेटिवली सोचोगे तो ये चीजें बहुत आसानी से निकल आएंगी. सो विल स्टॉप हियर. डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.